रात के 10 बजे, 10 नहीं 9 बज रहा था, 8 बजे इसके पापा लेकर आए थे। फिर खाना वाना खाए, फिर उसके बाद मैं ये चना का वो साग लेकर आए थे, तो इसको मैं वो फ्रेश करने लगी। एक एक करके तोड़ना पड़ता है ना इसको, बहुत मेहनत है बनाने में। फिर ये देखो मेरे को गैस बहुत बनती है ना, तो ये दो दो बड़े बड़े पपीता लेकर आए हैं। तो मैं इस चीज़ को रात में बना लेते, सुबह तो टाइम ही नहीं मिलता है। ये कृषि को देखो गोदी में जाके बैठी हुई है। चना और हम बना रहे हैं अभी कुकर में चना का साग। सब अभी हम लोग जगे हुए हैं, इस चना का साग चढ़ा हुआ है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको मेरा राधे राधे प्रणाम। तो ये देख लो परी को। तो अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, कंघी करी, और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और ये देख लो कृष्ण को। ये परी को मिल गया अपना वो क्राउन, तो वो देखो क्राउन पहन ली। ऐसे पहनते ऐसे करके। तो ये देखो दोनों एक एक ले के और खड़ी है कि ये बोल रही मेरे को पहना। कृष्णा उधर फेंक दी। तो चलिए मैं अब पूजा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ परी, रख दो रख दो। वैसे नहीं लगाते, सीधा लगाते हैं। हमारा पूजा हो गया, तुरंत ही पूजा करी। मेरे को ठंडी लग रही थी तो स्वेटर पहनने चली गई। ऐसे बैठे बैठे इतनी ठंडी लग रही थी, ऐसे ऐसे से हो रहा था, तो फिर जल्दी सूट के फिर स्वेटर डाली। और ये देखो कितना टीका लगाई है मुंह में। मम्मा अच्छे से नहीं लगाती ना, इसलिए खुद से लगा लिया ये। और अभी आज तो उठने में ही थोड़ा सा लेट हो गया, तो पूजा करने में भी लेट ही हो गया। और सो के उठी ना तो 8 बज गए थे। 8 तो थोड़ा मतलब रात में लेट से सोए थे हम लोग। वो रात को इसके पापा चना का साग लेकर आए थे, तो उसको बनाने में ही रात हो गया था। तो कितना लगता है, 11 बजे रात में सोए थे तो लेट हो गया उठने में। फिर वो सुबह मैं उनके लिए जल्दी से चावल बना ली, साग चाक गए हैं। अभी हम लोग भी खाएंगे, अभी टाइम दिखाती हूँ कितना बज रहा है। ये देखो पूरे 11 बज रहे हैं। ये हमारी परी, साग चना का साग, चावल और मिर्च, ये बैठे हम लोग अभी खाने के लिए। बहुत मेहनत से रात में बनाई हूँ, पता नहीं कैसा बना है। खा के बताते हैं कैसा बना है। आप भी खाओगे? चलो आपको भी दे रही हूँ ना। आजकल ना कृषु बहुत बदमाश हो रही है। देखो जब भी मैं बिंदी लगाती हूँ ना, तो निकाल के और फेंक देती है। खेलेगी थोड़ा सा, फिर खुद लगाएगी ऐसे ऐसे करके, फिर फेंक देती है। और अभी सुबह से उठी है कृषु, एक भी बार नहीं सोई, एक भी बार नहीं सोई। थोड़ा सा 1 बजे सुलाई में उसको, तो मात्र 10 मिनट सोई, फिर तुरंत उठ के और रोने लगी। तो अभी भी खेल ही रही है अब तक। ये देखो दोनों खिड़की से क्या देख रही है, क्या देख रहे हो कृषु? परी, परी तो अभी खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ, तो गिर गई खेलते खेलते। गिर के आ गई, बच्चे लोग पता है ना, जब साथ में खेलते हैं तो वो उसको धक्का दे देगा, वो उसको धक्का देगा, तो वही इसको कुक्कू धक्का दे दिया, तो ये गिर गई, खूब रोई। फिर अभी शांत लगाई है परी।
गिर गए थे, बता दो सबको, इधर आओ देखो तो। चना का साग तो मैं तो इतना मेहनत की, मतलब बहुत टेस्टी बना था, लेकिन मम्मी के जैसा नहीं आज स्वाद आया। मेरी मम्मी इतना स्वादिष्ट बनाती है ना चना का साग, वो खरीद के लेकर आएगी, फिर मतलब खूब मेहनत करती है, उसको अच्छे से निकालती है, उसको झाड़ेगी खटिया पे, फिर अच्छे से धोएगी, फिर इतना छोटा छोटा काटेगी एकदम चुलोही से पूरा, ऐसे मम्मी कहती पूरा इसी तरह लगा के उसको काटेगी। फिर रात में मैं तो कुकर में सिझा दी थी, तो मम्मी उसको पूरा मतलब डेक्ची में या मतलब कुछ ऐसा बर्तन में जिससे अच्छे से उसको ढक के पकाए, वैसा बर्तन में उसको मम्मी खुद से मिला के बहुत देर तक पकाती थी। फिर सुबह हम लोग उठते थे तो फिर वही चावल और साग खाते थे, तो बहुत स्वादिष्ट लगता था, तो वही खाई तो मतलब याद आ रहा था, देखो मम्मी इतना मेहनत करती थी, क्या इतने करते रहती है, धो काटो बनाओ। पर ऐसा नहीं, अगर किसी चीज़ में सच्चे दिल से मेहनत करो ना तो ही उसमें मतलब क्या कहते हैं, जैसा मेहनत करोगे वैसा उसका परिणाम मिलेगा। तो हमने कुकर में सीटी लगा दिया तो वैसे ही खाने में लगा। वैसा छोटा बर्तन नहीं था ना, पतीला है तो थोड़ा चौड़ा चौड़ा है, तो इसलिए मैं कुकर में ही बना देती हूँ। रात भी हो गया था, कृष्णु भी रात में रो रही थी बहुत, तो इसके पापा थोड़ा थोड़ा संभाल रहे थे, तो फिर मैं बनाई। शाम को तो टाइम बहुत टाइम स्पेंड कर रही हूँ बच्चों के साथ, समय बिता रही थी। और रात में ऐसा हुआ कि 8 बजे वो लेकर आए, और फिर तो ऐसा 11 बजे तक बिजी हुई। अरे बेटा गिर, इतनी बदमाश हो गई है दोनों, देखो कैसे बदमाशी कर रही दोनों। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये भी कैसा रोना, रोते रहते खिड़की पकड़ के खड़ी हो गई। ये परी उसको इधर रहने दो ना, आप उधर रहो। तो चलिए आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। Yeah.